पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल फरियाल महमूद ने दोबारा शादी के बंधन में बंधने का इरादा जाहिर कर दिया है। एक ताज़ा पॉडकास्ट में अदाकारा ने बताया कि गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत कुछ देखा है और अगर ये तजुर्बात पहली शादी से पहले होते तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। Me or Danny, both of us, we had no idea that we were going to get married in the next like month. उन्होंने कहा कि पहली शादी से पहले काम और पढ़ाई में मसरूफ रही और अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकी और दानियाल राहील से भी अपनी वालिदा की मर्जी से शादी की थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो ज़हनी तौर पर भी शादी के लिए तैयार नहीं थी। अगर वो अब शादी करती तो बेहतर होता। अब उनकी उम्र अच्छी हो चुकी है। फरियाल महमूद का इंटरव्यू के दौरान कहना था कि वो 27 साल की हो चुकी हैं। इतनी बड़ी हो जाती मैं और फिर इतनी समझ होना आई थिंक बहुत जरूरी है। अदाकारा ने बताया कि उन्होंने अपने साबिक शोहर से सीखा कि जिंदगी कैसी गुजारी जाती है और उसमें ठहराव कितना अहम है। फरियाल महमूद का कहना था कि अब उनकी जिंदगी में ठहराव आ गया है और मुमकिन है कि वो बहुत जल्द दोबारा सेटल हो जाएं और इसके लिए जरूरी है कि दूसरी शादी भी हो जाए। या तो बिल्कुल जो यंग लड़कियों की शादी हो जाती है, आई फील लाइक दैट वर्क्स बिकॉज दे आर सो यंग एंड दे जस्ट ग्रो विद द पार्टनर एंड दे इवॉल्व विद द पार्टनर एंड इट्स इजियर यू नो, और वेट अंटिल यू आर लाइक 32, 33, 34 एंड देन गेट मैरिड। फरियाल महमूद ने कोरोना के आगाज में मई 2020 में अदाकार दानियाल राहील से शादी कर ली थी और दोनों के दरमियान मार्च 2022 में तलाक हो गई थी। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की शोख और चंचल अदाकारा हिरा मानी के मगरबी लुक पर मद्दाहों ने तारीफों के पुल बांध दिए। हिरा ने इंस्टाग्राम पर मद्दाहों के साथ मगरबी लुक की तस्वीर और वीडियो शेयर की जिस पर उनके मद्दाहों की जानिब से पसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। तस्वीर और वीडियो में अदाकारा अपने रिवायती देसी लुक के बजाय मगरबी तर्ज के लिबास में नजर आ रही हैं। उन्होंने सियाह पैंट शर्ट जेब तन कर रखी है जिस पर सिल्वर सितारों का काम दिखाई दे रहा है। हिरा मानी ने अपने लुक को दिलकश बनाते हुए अपनी जुल्फे कर्ल कर रखी हैं, जबकि कानों में लंबे सिल्वर बुंदे भी पहन रखे हैं। इसके साथ उन्होंने हाई हील्स भी पहनी है और अपनी पुर एतमाद शख्सियत को मजीद निखार दिया। तस्वीर पर अदाकारा जारा नूर अब्बास, खाना अली और माया अली भी कमेंट करने से खुद को ना रोक पाए, जबकि हिरा के मद्दाहों की जानिब से भी तारीफों पर मबनी कमेंट्स का सिलसिला जारी है। हमारी शोबिज इंडस्ट्री का मयार अच्छा नहीं, कभी भी अपने बेटे को शोबिज में नहीं लाऊंगा, अदाकार यासिर हुसैन के बयान ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। हमारी इंडस्ट्री को अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, नहीं। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा इस इंडस्ट्री में आए। और क्या कुछ कहा है यासिर हुसैन ने जानते हैं। अदाकार, राइटर और हिदायतकार यासिर हुसैन का कहना है कि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा बने क्योंकि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। इंस्टाग्राम पर यासिर हुसैन के एक इंटरव्यू का वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री की हकीकत बयान करते हुए खुल के गुफ्तगू की। यासिर हुसैन ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री का मयार अच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस इंडस्ट्री में आए। अगर वो खुद से आ जाए तो एक अलग बात है, मैं उसे किसी भी चीज से नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरा दिल नहीं है कि वो अदाकार बने। आ जाए उसकी मर्जी है, मैं उसे किसी भी चीज से नहीं रोकूंगा, मेरा दिल नहीं है कि वो एक्टर बने। उन्होंने कहा कि ये कोई काम है, आप बताइए हमारी इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, एक अदाकार का क्या काम है। अदाकार का काम अदाकारी करना होता है, अच्छी अदाकारी करना, अपने हुनर को मनवाना, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये कोई काम है, क्या काम हो रहा है हमारा, एक्टर का काम क्या है,
आप बताएं, आप हैं हाँ। एक्टिंग करना, अच्छी हाँ। एक्टिंग करना एक फील्ड है ना, उसमें अपने क्राफ्ट को मनवाना, मुसलसल बुरा काम ही आपको ऑफर हो रहा है। उन्होंने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि हमारे पास टीवी में बुरा काम हो रहा है, फनकारों को बुरे काम की पेशकश की जा रही है। अगर हमारे सुपरहिट ड्रामास का जायजा लें तो वो कोई अच्छे ड्रामे नहीं हैं। अदाकार को बताया जाता है कि ड्रामा 25 एपिसोड्स का है, लेकिन उसी ड्रामे को 40 एपिसोड्स तक ले जाते हैं तो वो कैसे अच्छा होगा? जो ड्रामे हिट हो रहे हैं, जिनका आप रिव्यूज करती हैं, जो हिट ड्रामास हैं, वो कहाँ अच्छे ड्रामे हैं? 25 किस्तों का ड्रामा एक्टर को दिखाया जाता है, 24 का, और चलता है वो 40, वो कैसे अच्छा हो सकता है मुझे बताएं आप। लेजेंड और वर्सेटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी ने भी पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने पाकिस्तानी टीवी ड्रामों को बेहुदा करार दे दिया। आप ये सब जो रेवड़ चल रहा है बहुत सारे ड्रामों का, जिसमें बहुत सारी बेकार चीजें भी हैं, अजीब अजीब नाम है। अगले दिन एक ड्रामा आ रहा था, उसका नाम था घर तितली का पर। वेटरन अदाकारा बुशरा अंसारी ने टीवी ड्रामों के नामों को बेहुदा करार दे दिया। बुशरा अंसारी ने कहा है कि अब हमारे प्रोड्यूसर्स बेहुदा नामों वाले ड्रामे बनाते हैं। हम उनको केटर कर रहे हैं जिनका छोटा सा दिमाग है। हम उनको मस्कारा लगाने की तरकीब सिखाते हैं, सुई में धागा डालना सिखाते हैं। हम वही हैं जैसे पीटीवी के चैनल 3 के ऊपर हम नाकारा सेल को कारामत बनाने की तरकीब बताया करते थे एक ज़माने में, तो हम तकरीबन वही कर रहे हैं अभी भी। क्यों कर रहे हैं कि हम बजाय इसके कि अपनी ऑडियंस को अपलिफ्ट करें, उनको एलिवेट करें, हम वहीं पहुंचते हैं जहां हमें रेटिंग मिलती है। तो अफसोस की बात यह है कि हमें इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हाल ही में अदाकारा ने मौजूदा ड्रामों और पुराने पाकिस्तानी ड्रामों के नामों का मुवाजना करते हुए कहा कि उनके दौर में प्रोड्यूसर्स ड्रामों के टाइटल्स को अहमियत देते थे। ड्रामे की कहानी, एहसास और किरदारों के मुताबिक टाइटल दिए जाते थे और यही वजह है कि उन ड्रामों के नाम लोगों को याद हैं। बुशरा अंसारी ने मजीद कहा कि अब ड्रामों को बेहुदा और घटिया उनवानात दिए जाते हैं, जैसे बिचारी तन्नो, बदनसीब, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक हो गई। अदाकारा का कहना था कि पुराने वक्तों में हमने खूबसूरत टाइटल देखे, जैसे माहे कनान, जंगर, तन्हाइयां, अनकही, धूप किनारे और आईना। हसीना मुइन साहिबा का ड्रामा या अमजद साहब का ड्रामा, इशफाक साहब का ड्रामा, उस वक्त तो यही सारी क्रीम थी ना। इसमें से नर्म मुझे नहीं याद है कि कोई एक आध शायद होंगे, ज़्यादातर तो यही थे खास लोग जिनको ड्रामा आता था, जिनको टेक्निक पता थी, जिनके जहन में हमेशा ये रहता था कि जो बात हम कह रहे हैं वो सब ने देखनी है, उसमें से कोई बात हम पहुँचा दें किसी तरह। एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम कोई बात पहुँचाएँ, वारिस हो चाहे कोई ड्रामा हो। लेकिन अब वो सिलसिला ये हो गया कि वो क्वांटिटी बढ़ गई है तो क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सोनिया हुसैन ने भी बयान देकर खलबली मचा दी, दोबारा शादी ना करने की वजह बता दी। इतना ज्यादा सोसाइटी प्रेशर डाला होता है सबके ऊपर कि नहीं, सब कुछ कर लिया, अब शादी होगी तो आप कंप्लीट इंसान बनेंगे, वरना नहीं। अदाकारा सोनिया हुसैन ने एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर कोई मेरी शादी के बारे में पूछता है, मुझे लगता है कि मेरा ताल्लुक इस नस्ल से नहीं है। हमारे यहाँ लोगों में तर्ज अमल, तबकाती और बुनियादी इखलाकियत की कमी है। सोनिया हुसैन का कहना था कि उनके ख्याल में खवातीन को वो इज्जत नहीं दी जाती जिसकी वो हकदार हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि लड़कियों के सामने क्या बात करनी है, वो ये भी नहीं जानते कि खवातीन के साथ क्या सलूक किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आजकल लोग बड़ों का एहतराम करना नहीं जानते, इन चीजों को कबूल नहीं कर सकती क्योंकि वो मुख्तलिफ पस मंजर से आ रही हैं। अब कोई चीज उस वक्त तक मुतासिर नहीं करती जब तक कि वो लोगों में अच्छी खूबियां और नर्म रवैया ना देख लें। शायद मैं इस जनरेशन से बिलोंग नहीं करती क्योंकि अब मुझे लगता है कि लोगों के अंदर थोड़ी सी मैनरिज्म, क्लास, अदब आदाब ये बहुत कम होते जा रहे हैं। एक बेसिक एथिक्स जो होती हैं, जिसको जो बचपन से आपको सिखाया जाता है बड़े होके कि किस तरह से ख्वातीन से किस तरह से डील करना है, उनके सामने क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी,
बड़ों से क्या अदब करना है, कोई बड़ा बैठा हो तो आपको यू नो खड़े हो जाना है, इस तरह से ये चीजें मुझे लगता है बहुत कम है, मेरे लिए ये चीजें इतनी ज्यादा मैटर करती है। अदाकारा सोनिया हुसैन ने ये भी कहा है कि वो किसी सूरत में भी अदाकार से शादी नहीं करेंगी, क्योंकि वो खुद पसंदी का शिकार होते हैं और हर वक्त खुद को ही संवारने में मसरूफ रहते हैं। एक्टर बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, तो सेल्फ ऑब्सेशन किसी एक में ही हो तो अच्छा है, दोनों अपने अपने आप में लगे हो ना तो फिर कोई भी एक दूसरे को तवज्जो नहीं दे पाता, तो मुझे लगता है इस वजह से। सोनिया हुसैन ने एक निजी टीवी शो में शिरकत की जहां उन्होंने शादी समेत मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगु की। गुलुकार आसिम अजहर ने अदाकारा सज्जल अली को लेकर एक रोमांटिक सॉन्ग सैया रिलीज कर दिया। आसिम अजहर के गाने में शानदार सिनेमाटोग्राफी के जौहर दिखाए गए हैं। ग्रीन स्क्रीन की मदद से मुतादिद सीन्स शॉट किए गए हैं। आसिम अजहर ने सॉन्ग में काफी रोमांटिक सीन्स किए हैं और सज्जल अली ने इनका पूरा साथ दिया है। सैया का मौजू प्यार और प्यार के बाद ब्रेकअप और इन सब के दौरान जज्बात की कहानी और कैफियत को आसिम अजहर के सॉन्ग में खूबसूरती से फिल्माया गया है। दो रोज कबल आसिम अजहर ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर सज्जल अली के साथ शेयर की थी जिसमें दोनों एक दूसरे से करीब करीब खड़े दिखाई दिए थे। गुलुकार ने अपनी पोस्ट के साथ मतदाताओं को तजस्सुस में डालने के लिए सिर्फ सैया का कैप्शन दिया था। पीटीवी के सुनहरे दिनों के लाजवाब ड्रामों नूरी जाम तमाची, मारवी और चांद गिरहन से मशहूर होने वाले अदाकार गुलाब चांडियो को कौन नहीं जानता। गुलाब चांडियो ने थिएटर, ड्रामा और फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाए। 1980 की दिहाई में वो टीवी अदाकार के तौर पर उभरे और सिंधी ड्रामों से अपने करियर का आगाज किया जिनमें उन्होंने तलाश, साम, जंगल, जियापो, मिट्टी जा माणू और गुलाम गर्दिश में काम किया। गुलाब चांडियो की अदाकारी सबसे मुनफरद थी, उनके फेस एक्सप्रेशन उनकी अदाकारी की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। गुलाब चांडियो नवाब शाह के गांव शामीर चांडियो में एक किसान के घर में पैदा हुए। 1976 में कराची में फूड डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब की। गुलाब चांडियो ने अपनी नौजवानी से अदाकारी का आगाज किया था। अब चांडियो का एजाज ये है कि उन्होंने सिंधी और उर्दू ड्रामों में सिंध के ऐसे जराइम पेशा अफराद के किरदार भी निभाए जो आज भी फिक्शन में क्लासिक किरदार माने जाते हैं। गुलाब चांडियो अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक अदाकारी के शोबे से वाबस्ता रहे। उन्होंने जनवरी 2019 में वफात पाई। लेजेंड अदाकार को हुकूमत की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी अता किया गया था।